पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2022। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस जो में जो वैकेंसी निकली है उसमें क्या 50%, 60%, 70% या 75% या 80% वालों के लिए जॉब लग सकती है कि नहीं, चांस है कोई कि नहीं। तो साथियों, इस वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल से, ठीक है। तो साथियों, पहला पॉइंट होगा कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो साथियों, जो आपके फॉर्म होंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है इसमें एज लिमिट जो है 18 से 40, मेन पॉइंट ये है 18 से 40 है, मतलब कि स्टूडेंट ज़्यादा जो फॉर्म होंगे वो ज़्यादा अप्लाई होंगे, ठीक है। साथियों, फॉर्म ज्यादा अप्लाई होंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों, आपको पता होगा फॉर्म कितने भरे जाए, हमने बताया कितने, तो ये फॉर्म लगभग करोड़ों हो सकते हैं क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है। आपको पता होगा ग्रुप डी की, जो रेलवे ग्रुप डी है उसमें वैकेंसी जो है उसके लिए साथियों 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगभग फॉर्म अप्लाई किया है, जबकि उसमें एग्जाम होना है और इसमें तो डायरेक्ट भर्ती है, इसका मतलब इसमें ज्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। साथियों, ये पॉइंट आपको पता हो गया, करोड़ों, 1 करोड़ से तो ऊपर ही होंगे फॉर्म, इतना आप मान के चलिएगा, ठीक है साथियों। लेकिन इसका एक और फायदा भी है क्योंकि ये जो वैकेंसी है आपकी, ये पहले तो साथियों आपको स्टेट में डिवाइड की गई हैं, मतलब स्टेट वाइज, उसके बाद आपके लिए ये है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब आपके स्टेट में पहले कितनी वैकेंसी हैं, फिर स्टेट की जो वैकेंसी वो डिस्ट्रिक्ट में आप में बटेंगी, ठीक है। जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अनुसार, या जिले में जैसे मान लिया 10 वैकेंसी हैं, ठीक है साथियों, मैं अभी आपको डिटेल से बताऊँगा। अब 50% वाले फॉर्म भरें या नहीं भरें, ये भी आप सोच रहे होंगे, संशय में पड़े होंगे। तो साथियों, ये डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने हैं आपके जिले में भरे गए हैं, और ये भी मेन इसका पॉइंट है साथियों, जब आपको फॉर्म फिल करना होगा तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप हिंदी भाषी हैं या तमिल हैं या तेलुगु हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, आपको उसी एरिया से फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है साथियों। अब बात करें तो 50% वाले तो साथियों इसमें सभी फॉर्म फिल कर सकते, ये आपके ज़िले पर डिपेंड करेगा कि आपके ज़िले से टॉपर कितने हैं। मान लिया कि अगर वैकेंसी है आपके ज़िले में 10, ठीक है, ठीक है, और आपके जिले में एक है 50% वाला और दूसरा है 60% वाला, तो तीसरा है 70% वाला, और फिर मान लिया एक ऐसे ऐसे मतलब प्रतिशत बढ़ता गया। तो जब 10 वैकेंसी हैं और मतलब ये 60, 70, 80, 90 वाले जो आठ ही हैं लोग, और ये 50% वाला, तब चांस होगा कि 50% वाले को भी जॉब मिल जाएगी, ठीक है साथियों। इसीलिए सभी लोग फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है साथियों। अब जहाँ कम सीट है वहाँ अप्लाई करें कि नहीं करें, ये सबसे बड़ा संशय बना हुआ, क्यों, क्योंकि किसी को भी क्लियर नहीं है कहाँ पे कम सीटें हैं कहीं पे, ये तो पता है, लेकिन साथियों फॉर्म कितने आएंगे ये तो नहीं पता है, सीटें तो पता है, तो इसीलिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क क्या लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, देखो फायदा भी हो सकता है। मान लिया कि हमें पता है इस ज़िले में केवल 10 सीटें हैं, ठीक है, 10 सीटें हैं। आप सोच रहे हैं, आप सोचोगे कि यहाँ पे अगर 10 कैंडिडेट हैं आपके जान में, अगर वो ही अप्लाई कर दिए तो चली जाएंगे, लेकिन ये तो आपको पता नहीं होगा, इसीलिए साथियों रिस्क लेना पड़ेगा। अगर यहाँ मान लिया कि 9 ही कैंडिडेट टॉपर हैं जिनके 90% हैं, बाकी सब है जो 80 हैं 70 हैं, तो मतलब 8, फिर यही वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा, तो इसीलिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको हिंदी भाषी अपने एरिया डिसाइड कर लेना है, ठीक है साथियों। अब सबसे कम कट ऑफ कहाँ का जाता है, तो साथियों जैसे हमने बताया पोस्ट वैकेंसी जो पहले स्टेट लेवल पे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बटेंगी, ठीक है साथियों। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो 10 वैकेंसी बटेंगी, मान लिया कि 10 वैकेंसी हैं, तो अब कट ऑफ की बात जाता, मतलब 80% वाला फिर यही एग्जाम्पल काम करेगा आपके लिए, हमने जो बताया, मतलब पूरे वीडियो में आपको एक बात समझ लेनी है कि फॉर्म सभी को अप्लाई करना है, और ये कट ऑफ, ये परसेंटेज, ये सब अभी नहीं आप सोच समझ सकते कितना जा सकता है, क्यों, ये फॉर्म पे आपके जिले से कितने फॉर्म फिल हुए हैं इस पे डिपेंड करता है, ठीक है साथियों। सबसे कम कट ऑफ कहाँ जाता है और सबसे ज़्यादा कट ऑफ, हम ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आप पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि कितने आपके ज़िले से फॉर्म फिल हुए हैं, उस पर डिपेंड किया करेगा, ठीक है साथियों। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सभी साथियों से फॉर्म फिल करिएगा। मान लिया अगर आपका
चांस, क्योंकि फीस भी साथियों कुछ कास्ट वालों की 100 रुपये है और बाकी कुछ फ्री भी है, तो फॉर्म ज़्यादा चार्ज भी नहीं ले रहे हैं और वैकेंसी भी 38,000 समथिंग है। तो साथियों मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और सभी लोग फॉर्म फिल करिए, जिससे आपको एक चांस है। आपके पास अच्छा कोई एग्जाम भी नहीं देना, इसका मेरिट आएगा और आपका अगर स्कोर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, DVPST के लिए बुलाया जाएगा। तो साथियों इसीलिए कहता हूँ आप सभी लोग फॉर्म फिल करिए और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।